एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज मैं जो ब्रेकफास्ट रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो है मेथी आलू प्याज के परांठे। ये देखिए, हमने आटा लेकर उसमें आधा बंच मेथी को ना डाल के और नमक के साथ सॉफ्ट आटा लगा लिया है। तो ये आधा घंटा से रख दिया है आटा। मैंने ऑलरेडी मेथी का आटा कई बार आपको बताया हुआ है। ये हमने चार उबले हुए आलू लिए हैं, उनको ग्रेट कर लिया है। एक हरी मिर्च है, एक गाजर को ग्रेट कर लिया है, एक प्याज है, चिली फ्लेक्स हैं, आधा टीस्पून हल्दी है, जीरा पाउडर है हाफ टी स्पून, नमक है स्वाद के अनुसार और अमचूर पाउडर है 1/4 टीस्पून। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के ये कटा हुआ प्याज डाल दिया है। इसको सौते करेंगे। अभी हम इसी में हम हरी मिर्च डाल देंगे जो हमने ऑलरेडी काट के रखी हुई है, और इसको भी मिक्स करेंगे। हल्का प्याज भुन जाए, हल्का पिंक हो जाए, फिर उसके बाद हम बाकी मसाले डालते हैं। प्याज सॉफ्ट हो गई है, अब हम डाल देंगे इसमें ये हल्दी पाउडर ताकि थोड़ा सा पक जाए। साथ ही हम डाल देंगे इसमें गाजर और 1-2 मिनट इसको भी सौते करेंगे। अब हम आलू और ये सारे मसाले इसमें डाल देंगे और कटा धनिया भी हमने इसमें डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे और इसका टेस्ट करके देखेंगे कि इसमें कोई चीज की कमी तो नहीं है। जितना खट्टा, जितना आपको स्पाइसी चाहिए उस तरह का हम मसाला बनाएंगे। तो 1-2 मिनट हम इसको भून लेते हैं अच्छे से। मसाला अच्छे से भुन गया है, इसका कलर बहुत अच्छा आ गया है। हमने टेस्ट करके देखा, नमक थोड़ा कम था, हमने उसमें और ऐड कर दिया है। और ये देखिए, बिल्कुल भी जो आलू का मसाला है ना, गीला नहीं है। गैस को करते हैं ऑफ और इसका ठंडा होने का इंतजार करते हैं। ये आटा हमारा तैयार है। अब हम इसमें से 1 लोई, जितना बड़ा हमें पराठा बनाना है ना उतनी बड़ी हम लोई ले लेंगे। ठीक है, बहुत सॉफ्ट आटा है। देखिये, जितना अच्छा आटा होगा ना उतना ही अच्छा आपका पराठा बनेगा। तो सॉफ्ट लगाएं जब भी आप फिलिंग, ये टिप है, जब भी आप कोई फिलिंग वाला पराठा बनाएं ना तो आटा बहुत सॉफ्ट लगाएं। तो इसको सूखे आटे में करेंगे एक बार डस्ट। सूखे आटे में हम इसको एक बार डस्ट कर लेंगे, यहां पर इसको बेलेंगे। थोड़ा सा ही बेलेंगे इसको और यहां मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए पिट्ठी भी इतने अच्छे से ये ऐसी हो गई है, गीली नहीं है बिल्कुल भी, बाइंड हो रही है अच्छे से। तो आप जितना भी इसमें मसाला भरना चाहें, चटपटा मसाला भर लें। इस तरह से जो बच्चे मेथी नहीं खाते हैं ना वो भी मेथी खा जाएंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि ये मेथी का पराठा है। आप उनको कहिए ग्रीन कलर का आलू का पराठा है, वेजिटेबल पराठा है। ऐसे हम इसको पैक कर लेंगे। इसको थोड़ा सा ऐसे करेंगे, फिर से सूखे आटे में डस्ट करेंगे, हाथ से थोड़ा सा बढ़ाएंगे, आप चाहें तो बेलन से बढ़ा लें। ऐसा करने से ना जो फीलिंग है वो इक्वल फैल जाती है। ऐसा नहीं होता कि बीच में ज्यादा हो गई, साइड में कम रह गई, तो ये पूरा फैल जाता है। और फिर हल्के हाथ से आप इसको, ना आपका पराठा फटेगा ना आपको बेलने में मुश्किल होगी, हल्के हाथ से आप इसको चलाइए और जितना मोटा आपको रखना है उतना आप इसको रख सकते हैं। तो ये बेल गया है। तवा ऑलरेडी हमने गर्म होना रख दिया है, नॉनस्टिक पर मैं बना रही हूं। तो ये ऐसे हमने पराठा डाल दिया है, इसको एक तरफ से सिकने की इंतजार करते हैं। तो ये देखिए, हमने इसको पलट लिया है और ये हल्का हल्का इस पर निशान आ गया है। अब आप ऑयल में सेकना चाहते हैं ऑयल लगा लीजिए, घी में सेकना है घी में सेक लीजिए, बटर में सेकना है बटर में सेक लीजिए, चॉइस इज योर्स। कम लगाना है ज्यादा लगाना है ये सब आप पर डिपेंड है, हमने आपको बनाना बता दिया है। तो ये इधर से हम इसको सेक लेंगे और इसमें भी दोनों तरफ से बॉईल लगा देंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। आप ट्राई करके देखेंगे ना तो आपको रेसिपी अच्छी लगेंगी। कभी कभी क्या होता है, इतना मैं मोबाइल से ही शूट करती हूं तो वो परफेक्ट कलर जो है वो नहीं आ पाता है फोटो में। तो वही है ना कि जो दिखता है वो बिकता है, तो बहुत लोग नहीं उसको चेक करते हैं। ये देखिए फूला फूला पराठा, ये देखिए और क्रिस्पी, कितना बढ़िया कलर है, कितना बढ़िया टेस्ट आने वाला है।
ये देखिए, तो हम दोनों तरफ से इसको सेक लेते हैं और इसको ना हम प्रेस करते हुए किनारे से सेकेंगे, ऐसे प्रेस करते हुए। तो देखिए आप किस तरह से ये फूल गया है परांठा। तो इसको निकाल लेते हैं हम, फिलिंग हमने बहुत अच्छी भरी है इसमें। और देखिए जो हल्का हल्का ऑयल दिख रहा है ना, आपको लगे कि नहीं, तो जो परांठा आप नेक्स्ट बनाने वाले हैं उसके ऊपर आप ये ऐसे चारों तरफ से ऐसे कर दीजिए, जो भी ऑयल है वो सारा देखिए ये नीचे लग जाएगा। तो ये टिप है इसकी। अब मैंने क्या किया है, बहुत पतली ना दो चपातियां बेल ली है, मैं आपको डबल करके दिखाना चाहती हूँ ये। तो इस पर ट्राई करते हैं हल्की सी हरी चटनी लगाने का, ये बहुत अच्छा बनने वाला है। अब हरी चटनी के बाद हम ना इसमें चारों तरफ से ही मसाला फैला लेंगे। तो देखिए हमने आलू का मसाला फैला लिया है, अब हम इसके ऊपर ये दूसरी रोटी रख देंगे और इसको ना साइड से ऐसे पिंच कर देंगे ताकि वो अच्छे से चिपक जाए। कई लोग होते हैं ना बहुत पतला, हमें आटे की लेयर लगानी है और मसाला ज्यादा भरा हुआ चाहिए, तो ये भी एक अच्छा आइडिया है। अगर आप परांठा बनाने में मुश्किल लगती है आपको फिलिंग के साथ ज्यादा के साथ, तो ये ऐसे करके हम इसको कर देंगे। और क्योंकि ये हल्का सा बीच में से मोटा है तो आप चाहें तो इसको ऐसे थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है ना। अब हम इसको तवे पर डालेंगे और ये देखिए लग रहा है ना बढ़िया, अंदर से चटनी निकलेगी, आलू का मसाला निकलेगा, बहुत यमी होगा। देखिए होता तो क्या है, वही चीजें होती हैं जो घर में बनती हैं, एक दूसरे से हम देखकर सीखते हैं, आजकल YouTube है हम उन पर भी देखकर सीखते हैं, पर कभी कभी बनाते बनाते ना कोई आइडिया आ जाता है तो वो आपसे शेयर करते हैं। पर आप उसे जरूर लाइक कीजिए, हमारी हौसला अफजाई करिए ताकि हम और नई नई रेसिपी लेकर आपके सामने आ सकें। तो एक साइड से हमारा ये यमी सा पराठा सिक चुका है, इस पर हम लगाएंगे ऑयल, इसको पलट देंगे, गैस को मीडियम रखेंगे और ऑयल लगा देंगे, घी लगा देंगे, जो भी आप लगाना चाहें, कम ज्यादा मैं फिर से बोल रही हूं आपकी अपनी चॉइस है। आप बहुत कम में सेकना चाहते हैं कम में सेक लीजिए, आप इसको रोटी की तरह बनाना चाहते हैं ना तो रोटी की तरह बना लीजिए। तो सिकने देते हैं दोनों तरफ से क्रिस्पी। अब देखिए हमने प्रेस करते हुए ना इसको बिल्कुल मंदी आंच पर आराम से सेका है, तो अब क्योंकि कच्चा नहीं रहना चाहिए ये, जले ना। अब हम इसको कट करते हैं, आवाज सुन रहे हो, तो क्रिस्पी तो है ही और खुलना कितना आसान है। ये देखिए पेपर परांठा है, आप ऐसे चाहें तो बच्चों को सॉस डालकर दे सकते हैं, ये ग्रीन चटनी लगी हुई है, नीचे ग्रीन है ऊपर ग्रीन और अंदर मसाला है, तो है ना फीलिंग जबरदस्त गरम गरम। चाहें तो आप उनको पिज्जा कटर से कट करके भी दे सकते हैं छोटे छोटे पीसेस, और ये आप टिफिन में भी दे सकते हैं, बेस्ट रेसिपी फॉर टिफिन। और मैं यहां बताना चाहूंगी कि मैं जितने भी मेरी परांठे की रेसिपी हैं, पूरी की रेसिपी हैं या अचार हैं, चटनी है, जो भी परांठे के साथ खाया जाता है, वो सभी मैं डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक डाल दूंगी। तो जब भी आप देखें मेरे सैंडविच आ रहे हैं तो सैंडविच में मैं ब्रेड्स की रेसिपी डालूंगी, मैंने बहुत सारी रेसिपी डाली हुई है, ये देखिए है ना मजेदार। तो करते हैं इसकी प्लेटिंग। तो ये देखिए हमने इसको ऐसे खोल दिया है और ये क्रिस्पी परांठा बनकर तैयार है। जो हमने पहले बनाया है वो भी आप देखिए इस तरह से इसकी लेयर्स खुल रही हैं, देखिए कितनी अच्छी फिलिंग है। तो मजेदार पराठे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।